गाइस वेलकम बैक माय न्यू ब्लॉग, गुड मॉर्निंग ऑल ऑफ यू। तो आज का मेरा थर्ड डे है विशाखापट्टनम में। तो अभी बजे 9, तो मैं अभी आया हूँ ब्रेकफास्ट करने के लिए। हमारे होटल के टेरेस पे ब्रेकफास्ट हमारा, दिखाता आपको हम लोग ब्रेकफास्ट करता और दिखाता आपको भी ब्रेकफास्ट। हाँ कई जस्टों में अभी टेरेस से ब्रेकफास्ट करके आया। ब्रेकफास्ट में हमको उपमा था और एक बड़ा था, नाम नहीं पता मुझे साउथ का, वो था। हमारी दो आज प्रैक्टिस है, आज से 4 से 6 और 6 से 8 दो सेशन की प्रैक्टिस है। तो आज से रेडी हम लोग, अभी 4 बजे शुरू होगी तो हम लोग रिलैक्स कर लिया। 11 अंदर जा रहा रिलैक्स करता हूँ, डायरेक्ट मिलता प्रैक्टिस में आपको। तू ही इजाजत ही तू दरिया तू। गाइस ये होटल का व्यू, हमारे होटल के बाहर गैलरी का। तू ही मेरी, ये टेरेस का है ऊपर जहाँ ब्रेकफास्ट लगाया अभी। लाइट अप तो लंच लग गया हमारा, तो हम लोग जा रहे लंच करने के लिए। भाई लोग भी चल रहे हैं, चलो अपन चलते हैं लंच करने के लिए। उसके बाद प्रैक्टिस हमारी, मैंने बताया था आपको, चलो चलते हैं लंच करने के लिए। इधर इधर, ये हमारी इधर का बंदर, हमारी इधर का बंदर। ओ ना चिकन दिया। गाइस तो हम लोग लंच करने आए हैं यहाँ पर, जो हमें लंच लग रहा है। डालते हैं मेरे इसमें, मेरा भाई चाल रोटी डाल। हमने तो वीडियो भी चलते ना। एक आज तो हम लोग जा रहे हैं अभी प्रैक्टिस करने के लिए अपने स्टेडियम में। सब्सक्राइब भाई का चैनल है, सपोर्ट करो। अब पीछे अंदर क्यों आ रहा है? तो हम लोग जा रहे हैं स्टेडियम अपने। सर देखो सर, हेलो गाइस, हम स्टेडियम आ चुके हैं अभी। ये हमारा स्टेडियम है और ये स्टेडियम के मालिक गाइस। हम लोग सब जा रहे हैं अभी स्टेडियम के अंदर में। सब लोग अलग अलग स्टेट से आए,
की अभी काम हो रहा है क्योंकि 26 का है। तो चलते अभी स्टेडियम के अंदर में। जैसे आप स्टेडियम विशाखापट्टनम टूर्नामेंट स्टेडियम వేదిక మీద ఉన్న పెద్దలందరికీ మేయర్ గారికి ఇక్కడ వచ్చేసిన మాస్టర్స్కి విద్యార్థులకి ముఖ్యంగా ఈరోజు నాకు చాలా ఇష్టమైన ఒక మాస్టర్ సంజయ్ దుల్ గారు ఆయనంటే నాకు చాలా గౌరవం చాలా మర్యాద ఈరోజు ఇక్కడికి రావడం రమణ నాకు రమణ ఇప్పటి నుంచో నాతో పాటు దగ్గర దగ్గర ఒక 20-25 సంవత్సరాల నుంచి మేము ట్రావెల్ చేస్తున్నాం సార్ రమణ నాకు బాగా చెప్తున్నారు వచ్చేసిన అందరికీ నమస్కారం సారీ పేలే తెలుగు మీద బాత్ కర్రా క్యూకి ఏ స్టేట్ హిందూ హై జో ముస్లిం హై జో క్రిస్టియన్ హై జో సిక్ జైన్ బుద్ధిస్ పార్సీ జో భీ హై తో యే సబ్ జోడ్నే కే లియే యే జో నేషనల్ ప్రోగ్రామ్ హమ్ రఖే హై మేరా వైస్ విజన్ ఐసా హై కి పేలే కి हमारा माइंड में आ जाना है कि हम सब लोग हैं बॉर्डर में हमारा फौजी लोग उधर हमारा उधर रक्षा कर रहे हैं तो हम इधर हम करेंगे हमारा स्टेट का हमारा घर का हमारा गली का हम करेंगे
और ऐसा आपको मालूम है कि बहुत सारे अत्याचार हो रहा है, तो हमारा बॉडी को हम गार्ड करना चाहिए, हमको बॉडी गार्ड नहीं चाहिए। हम अकेला है, अगर कोई हमको अटैक किया जो रोड में या कोई भी कहाँ भी अटैक किया, तो इसमें तो खाली पार्लियामेंट में असेंबली में भाषण करते हैं, बात करते हैं, बस उतना ही। आपको मालूम है निर्भया का केस हुआ, इतना इल्ज़ाम लगाया, पूरा लगाया, फिर भी ऐसे ही हो रहा है ना अभी। आप कोई भी चैनल ऑन करो।